हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बिजनेस के प्रॉफिट के कैलकुलेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग निकालने की इक्वेशन देखी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर एक बार हम फिर से रिपीट कर लें तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बीच का संबंध होता है, जिसमें एसेट्स का जो टोटल होता है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के सम के बराबर होता है। प्रॉफिट जो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट, तो देख लेते हैं हम। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बिजनेस में अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से कम होते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा होते हैं तो लॉस होता है। अगर हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, उसके अलावा हमें और आइटम दिए गए हैं, तो उसके द्वारा भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारी ये वाली इक्वेशन होती है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने क्लोजिंग एसेट्स, लायबिलिटीज़ और क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकाली थी। और आज की इस वीडियो में हम क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, जिसके लिए हमें कौन कौन से आइटम दिए गए देख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल इज़ 40,000, क्रेडिटर आर 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज़ रुपीज़ 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर 40,000। तो इससे ये हमें सब कुछ दिया हुआ है, इससे हम पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल दी रखी है, इसमें हम ऐड कर लेंगे ये रेवेन्यू को और माइनस कर देंगे एक्सपेंस को। इसके अलावा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें था क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस माइनस ड्रॉइंग। लेकिन हमें यहाँ पर ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, तो उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। हम यहाँ ओपनिंग कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस निकालेंगे। क्रेडिटर्स, क्लोजिंग कैपिटल निकालने में कोई भी हेल्पफुल नहीं है, ये तीनों हैं। लिख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओपनिंग कैपिटल हमारी दी हुई है 40,000, इसमें हम ऐड करेंगे जो रेवेन्यू दिया हुआ है 50,000 और माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। तो इससे हमारी कैपिटल निकल कर आ जाएगी 50,000। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई है, तो क्लोजिंग एसेट्स निकालने के लिए क्लोजिंग एसेट्स और या एसेट्स बोलें तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तो लायबिलिटीज़ है नहीं, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, तो बचा क्या, क्रेडिटर। तो हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, टोटल लायबिलिटीज़, वो हमारी क्रेडिटर ही होंगी। तो ये हमारा क्लोजिंग एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल हमारी 50,000 और क्रेडिटर हमारे 25,000 है, तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं यही हमारी लायबिलिटीज हैं। ये हमारी एसेट्स हो गई।
इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल और एसेट्स निकाला। अब जो आज का हमने क्वेश्चन पढ़ा है प्रॉफिट निकालने का, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है रोहित स्टार्टेड अ बुटीक ऑन 1st January 2050 बाई इन्वेस्टिंग ₹1,50,000 इन कैश एंड टूक अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द बैंक ऑन 31st December 2015 हैज एसेट्स वर्थ ₹3,00,000 एंड ट्रेड क्रेडिटर्स आर ₹10,000 अदर देन बैंक लोन। बैंक लोन को छोड़ करके हमारे क्रेडिटर दिए गए हुए हैं ₹10,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31st December 2015 एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तो टोटल दिया नहीं हुआ है, तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने का दूसरा फॉर्मूला हमारा था, उसमें क्लोजिंग कैपिटल भी थी। ये हमारा प्रॉफिट निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो हमें यहाँ एडिशनल कैपिटल तो दी नहीं गई है, ड्रॉइंग भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। उसमें भी ओपनिंग कैपिटल हमें पहले से पता है और क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज होंगे। तो हमारी यहाँ क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। यहाँ पर हमारी क्लोजिंग असेट्स दी हुई है 31st December 2050, हिज असेट्स वर 3,00,000, उसकी क्लोजिंग असेट्स 3,00,000 दी हुई है। तो असेट्स में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स 10,000 है अदर देन बैंक लोन। उसने बैंक लोन लिया हुआ था 50,000 का, उसके अलावा भी 10,000 के उसके क्रेडिटर हैं। तो हमें टोटल जो लायबिलिटीज़ बनेगी वो 60,000 की होगी। तो यहाँ पर हम ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं 10,000 क्रेडिटर के और 50,000 बैंक लोन के, 3,00,000 माइनस 60,000। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गई 2,40,000 रुपीज़। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ना हमें एडिशनल कैपिटल दे रखी है और ना ही ड्रॉइंग। तो फिर हम सिर्फ इतना सा लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इक्वेशन चाहे जैसी हो, जैसा भी न्यूमेरिकल होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब जैसे हमने प्रॉफिट निकालने की जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, ये क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर यहाँ हमें ड्रॉइंग दिया रखा तो हम उसे भी इंक्लूड करेंगे, अगर ओपनिंग कैपिटल दी रखी है तो उसे भी इंक्लूड करेंगे। तो जैसा भी न्यूमेरिकल होगा उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमारी ही है 2,40,000 एंड ओपनिंग कैपिटल इज 1,50,000, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल वही होती है जिससे कि जो ऑनर होता है बिजनेस का वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर बार यही लिख कर आए कि द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज। तो ये हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होगा तभी हमें समझ में आएगा। 2,40,000 में से 1,50,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 90,000। तो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस
is 90,000. तो इस तरह से हम बिजनेस में प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल.